हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो शाम के 4 बज रहे हैं और मैं बनाने जा रही हूँ चाय नाश्ता। मेरे हस्बैंड आने वाले हैं ड्यूटी से, तो मैंने ये कॉर्न निकाल लिए थे और इधर रख दिया है पानी बॉयल होने। तो अब मैं ये कॉर्न इसमें डाल दूँगी और इसको 5 मिनट अच्छे से मैं बॉयल कर लूँगी। और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तब मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए अच्छे से पक गए हैं, मैं कुछ छान के निकाल ले रही हूँ। तो ये मैंने छान के थोड़ी देर रख दिए थे, इसका अच्छे से पानी निकल गया। फिर मैंने इसको डोंगे में डाला है और मिर्ची पाउडर और चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा धनिया डाला है। मैं इसमें नमक नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि चाट मसाले में नमक काफ़ी होता है। और 3 चम्मच में मैदा डाल रही हूँ। मैदा को अच्छे से इसमें सब मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको, अगर सूखा पाउडर लग रहा है आपको तो आप इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर दीजिए। और पानी ऐड करके उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। और ये देखिए मेरे बन सही है बिल्कुल। अब मैं इसको, मैंने इधर रख दिया था ऑयल, रिफाइंड ऑयल रखा है। और मुझे थोड़ा सा, मैं और इसमें पानी ऐड कर रही हूँ अच्छे से इसको मिक्स करने के लिए। तो अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, देखिए आप रेडी हैं बिल्कुल। और अब मैंने रिफाइंड ऑयल रखा था जो गर्म हो गया है वो, तो मैंने चेक करके देखा था। और अब मैं इसमें डाल दूँगी आधे। तो ये अच्छे से मैं इसको भून लूँगी। पहले मैं मीडियम आंच पे ही भूनूँगी क्योंकि बहुत चटकते हैं। और उसके बाद मैं फुल कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं ये। और अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। इसी तरह से मैं जो बाकी बचे हैं वो भी डाल दूँगी। देखिए ये भी मैंने डाल दिया, इस पर अच्छे से कोटिंग चढ़ जाती है इसकी और फिर ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इनको भी अच्छे से भून लिया है मैंने। देखिए ये भी खूब क्रिस्पी हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लूँगी मैं। और मेरा चाय नाश्ता रेडी है बिल्कुल। अब मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ और उसके बाद अब शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आई हूँ अपने किचन में खाना बनाने। तो ये मैंने प्याज टमाटर लिया है और ये आलू छोटे छोटे चॉप करे हैं। तो मैं मसाला इधर पीस लिया है, पीस रही हूँ। और इधर ये मैंने आलू को फ्राई कर रही हूँ ऑयल में, तो ये मैं मिक्सर में पीस लूँगी। ये देखिए मैंने पीस लिया मसाला और आलू भी मेरे हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए आलू भी निकाल लिए मैंने और इसी ऑयल में मैं पनीर भी भून लूँगी थोड़ा सा। और मैं बना रही थी पनीर और आलू। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ पनीर, आप भी इस तरह से, अगर आपके घर में मटर वगैरह नहीं है या फिर, तो आप इस तरह से बना सकते हैं पनीर, काफ़ी टेस्टी बनता है। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ आलू और पनीर डाल के। आलू को भी आप पनीर की तरह काट लीजिए। मैंने जीरा ऐड करा है, तेज पत्ता एक, और अब मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने मसाला ऐड कर दिया इसमें और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और जब तक मैं इधर मसाले ले रही हूँ इसमें डालने के लिए,
तो मैंने हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर ले लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया मैंने। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और इधर ये देखिए मसाला मेरा हो गया है, भुन गया अच्छे से। अब मैंने इसमें एक कटोरी फ्रेश मलाई डाली है, इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप भी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसको मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। ये देखिए मेरा मसाला पक गया अच्छे से। और मैंने इधर आलू फ्राई करके रखे थे, पनीर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखिए मेरा अच्छे से भून लिया है मैंने इसको। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इसमें पानी उतना ही ऐड करना जितना आपको ग्रेवी चाहिए, तो मैं एक गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से इसको पका लूँगी। अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो और आप कम पानी ऐड करिए। तो मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, मैंने गैस ऑफ कर दी है। और अब मैं डाल रही हूँ सब्जी मसाला। गैस ऑफ करने के बाद ही आप सब्ज़ी मसाला डालें, काफ़ी टेस्टी लगता है और इसका स्वाद बना रहेगा इसमें। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी है, और आप भी बना के देखिए, ट्राई करके देखिए। हम मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ।